नमस्कार एन भारत पर स्वागत है आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड की जबरदस्त वापसी देखने को मिली है। उन्नाव और मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड काम करने लगा है और दोनों ही तस्वीरें अपने आप में नायाब हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ में यहाँ पर मंचलों को पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई गई, और अगर उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में यहाँ पर थप्पड़ बरसाए गए। तो दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप मेरठ की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर उन्नाव की आप देख रहे हैं, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे तरीके से एक्टिवेटेड दिखाई दिया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड अपना काम करने लगा है। और ये देखिए, एक तरफ उठक बैठक लगाई गई, दूसरी तरफ चांटे रसीद किए गए। सबसे पहली तस्वीर मेरठ के सूरत कुंड पार्क की है, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड का ये दल पहुंचा और वहां पर इन तीन युवाओं को पकड़कर इन्हें डांटा फटकारा और उसके बाद इनसे कान पकड़ाकर उठक बैठक लगवाई गई और दोबारा ऐसे पार्क में ना घूमने की हिदायत भी दी गई। तो ये तस्वीर बता रही है कि एंटी रोमियो स्क्वाड अब बैक हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये देखिए, महिला दल जो एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला कर्मी थी, उसने कैसे चांटे बरसाने शुरू कर दिए। पहले एक महिला ने चांटा मारा, उसके बाद दूसरी महिला कर्मी ने चांटा मारना शुरू कर दिया। हालांकि वो युवा और वो जो लड़कियां थी, जो वो आपस में बताते रहे कि हम भाई बहन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी रोमियो स्क्वाड की महिलाएं इन पर थप्पड़ बरसाती रहीं। ये बातचीत भी सुननी जरूरी है। सिस्टर है मेरी, मैं मम्मी से बात करा रही हूँ। मोबाइल नंबर दूसरे से मुझसे मांग रहे हो? पार्क में अपने घर जाओ, मौसी का नंबर मिला रहे इनके फोन में रिचार्ज। मौसी के घर जाना था, मौसी घर चले जाओ ना, फिर यहाँ क्या घूम कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्नाव और मेरठ से सामने आई तस्वीरें बता रही हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड की उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वापसी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी है कि एंटी रोमियो स्क्वाड अब तक कहाँ था, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो कहा गया था एंटी रोमियो स्क्वाड अपना काम करेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ दिन तक एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई दिया और उसके बाद अब लगभग 2 साल बाद फिर एक बार एंटी रोमियो स्क्वाड की वापसी हुई है। ऐसे में देखना होगा ये एंटी रोमियो स्क्वाड कब तक सड़कों पर रहकर अपना काम करता है। टीम एंड भारत। मोबाइल नंबर दूसरे से मुझसे मांग रहे हो? पार्क में अपने घर जाओ, मौसी का नंबर मिला रहे इनके फोन में रिचार्ज। मौसी के घर जाना था, मौसी घर चले जाओ ना, फिर यहाँ क्या घूम कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो?